नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में पशु पक्षियों का मानव जीवन में विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पशु पक्षियों में अनिष्ट तत्वों को काबू में रखने की अद्भुत शक्ति होती है। पालतू पशुओं के बारे में माना जाता है कि इनके अंदर नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की ताकत होती है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका दिन अच्छा जाए, लेकिन भविष्य में क्या लिखा होता है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति की किस्मत और उसके दिन की गणना की जा सकती है। तो आइए जान लेते हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिला के लिए भी अच्छे नहीं माने जाते। ये कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। वहीं कुछ पक्षियों का घर में आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इनके घर में आने से व्यक्ति को जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस पक्षी का घर में आना है अशुभ और कौन सा वो पक्षी है जो आपको करोड़पति बना सकता है। और साथ ही हम जानेंगे कि सुबह उठते ही अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा आप हैं भाग्यशाली। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, नंबर एक, अगर किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही आसपास चल का पक्षी या सफ़ेद फूल दिख जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका दिन अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही शांति के प्रतीक होते हैं। सुबह उठते ही अगर गायें दिखे या उसकी आवाज़ सुनाई दे तो समझे कि दिन बेहद शुभ होने वाला है। ये धन प्राप्ति का संकेत होता है। नंबर दो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोबर या हरी घास का सुबह के समय में दिखना भी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है, इससे नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना रहती है। नंबर तीन, सुबह के समय नारियल, शंख, मोर या हंस आदि का दिखना भी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति की तरक्की होती है, साथ ही उसे टेंशन से राहत भी मिलती है। नंबर चार, अक्सर घर के सामने गाय के सुबह सुबह गोबर कर देने से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा संकेत माना गया है। कहते हैं कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में उनका आगमन होता है। नंबर पाँच, सुबह अपनी हथेलियों को देखने से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और हरि के दर्शन होते हैं, जिससे धन, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। नंबर छः, सुबह गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि इससे व्यक्ति का दिन अच्छा जाता है। नंबर सात, अगर सुबह उठते ही आंगन में चिड़िया चहचहाती हुई दिखे तो समझे कि घर में खुशियाँ आने वाली हैं। दोस्तों, कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में होना बहुत ही अशुभ होता है। प्राचीन काल से ही लोग कुछ पक्षियों के घर में आने को शुभ और अशुभ मानते हैं। तो आइए आप भी जानें कि वो पक्षी कौन से हैं जो कि घर में आ जाने पर पूरे घर को ही कंगाल बना देते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो आपके घर में आने पर आपको माला माल बना देते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है तो ये तो बहुत ही शुभ संकेत माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये उस घर में माता लक्ष्मी के होने का सबूत है। ऐसे घर में कभी परेशानी नहीं आती, बल्कि खुशियों का तांता लगा रहता है। तो ऐसे में नंबर एक पर है चमगादड़। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में चमगादड़ घुस जाए तो उस घर में बीमारियां, मौत, बर्बादी अपना बसेरा बना लेती हैं। वहीं अनेक लोगों का मानना है कि घर में चमगादड़ होने से परिवार टूटकर बिगड़ सकता है और उस घर में मनहूसियत छा जाती है। नंबर दो, कौवा। कौवे का बार बार घर में आना या आपके घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं सपनों में कौवे का बार बार आना भी कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपने में कौवे की आवाज़ सुनाई देना या घर में कौवा बैठा देखना कहीं से समाचार आने का संकेत है।
नंबर 3 उल्लू। अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एक ही दिशा में चिल्लाता रहता है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक दो बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियां आती हैं और उल्लू का बार बार घर में आ जाना बर्बादी का लक्षण है। नंबर 4 टिटहरी। ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से भूकंप आने का संकेत मिलता है, क्योंकि टिटहरी हमेशा ज़मीन पर रहती है और ज़मीन पर ही अपने अंडे देती है। इनका घर में अचानक बैठना अच्छा संकेत नहीं होता। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उस पक्षी के बारे में जिसका घर में आना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों बचपन में हमारी प्यारी प्यारी आंखों ने सबसे पहले जिस पक्षी को देखा था वो है गौरैया, जिसे हमारे बचपन का सबसे खूबसूरत लम्हा कहा जाता है। हम बचपन से लेकर आज तक इस नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया को देखकर ही तो जवान हुए हैं। इस नन्ही चिड़िया की मधुर आवाज़ किसी खूबसूरत संगीत को दर्शाती है। आपको बता दें कि गौरैया तो कभी छत पर तो कभी दहलीज पर कभी बालकनी में अगर आपको दिखती है तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं दोस्तों, क्योंकि ये नन्ही चिड़िया गौरैया की संख्या भले ही कम हो रही है लेकिन इनका घर में आना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि गौरैया जितनी खूबसूरत है उसका घर में आना भी बड़ा लाभकारी माना गया है। जिस घर में गौरैया होती है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली घर होता है, क्योंकि उस घर में स्वयं महालक्ष्मी वास करती हैं और आपके घर के वास्तु का संबंध गौरैया से है, क्योंकि गौरैया आपके घर का वास्तु सुधार देती है। दोस्तों गौरैया को हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों तुलसीदास जी ने भी राजा दशरथ के घर में गौरैया के घोंसले का वर्णन किया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में उत्तर दिशा और ईशान कोण में गौरैया अपना घोंसला बना लेती है तो ये बहुत ही शुभ होता है। घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, पारिवारिक जीवन की दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। वैसे अगर किसी जगह पर गौरैया घोंसला बनाती है तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ नन्ही चिड़िया गौरैया होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इस तरह से अगर कहीं भी आपके घर में भी गौरैया घोंसला बना लेती है तो भूल कर भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि गौरैया के घर में आने से 10 तरह के वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा आपने सुना भी होगा कि महाभारत काल में भी महारानी कुंती के महल में गौरैया का घोंसला बना था। वास्तुशास्त्र कहता है कि गौरैया का घर में आना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इनके आने से जीवन में मधुरता आती है, बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और अगर गौरैया सुबह सुबह दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन बेहतर हो जाता है और आप सकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रभावित हो जाते हैं। आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। गौरैया माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी है दोस्तों, इसीलिए इसके आने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो गौरैया के वैसे तो बहुत सारे राज छुपे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में गौरैया का सीधे तौर पर आना अच्छा होता है, शुभ होता है, जीवन में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों जो भी विफलता आपके जीवन में होती है वो सफल हो जाती है, कार्य में सफलता मिलती है और इनका घर में रहना अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में भी गौरैया आती है तो आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी गौरैया आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर सके और आपको कभी पैसों की किल्लत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।